देख तो लो रोड पर, सामने देख के चल रहे हैं भाई। पूरा प्रेशर पड़ रहा है भाई हाथों पे, बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे भाई क्या कर रहा है, इतना क्या जल्दी है तुमको? ओ यहाँ पे छोटे छोटे बंदर दिख रहे हैं भाई, टर्न्स देख रहे हो भाई यहाँ के? ओए होए। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दारिंगबाड़ी। और आज लास्ट डे हमारा यहाँ पे, सो ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिप था, सो करीब 2 डेज़ का था ये। लॉन्ग ट्रिप्स करना अभी पॉसिबल नहीं है, सो मैं सोचा क्यों ना आपको शॉर्ट ट्रिप्स पे ही कुछ मज़ा दे सकते हैं। और इसके पहले की वीडियोस अगर आपने देखी है तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा, कैंप की वीडियोस और यहाँ की लोकल साइट सीइंग की वीडियोस। सो ये ट्रिप यहाँ पे एंड होता होगा और आज लास्ट डे, हम यहाँ से वापस जा रहे हैं अपने घर की तरफ। सो होपफुली देखते हैं, बहुत जल्द एक लॉन्ग ट्रिप का ही प्लान करेंगे। और तब तक आप सपोर्ट बनाए रखें अपना, क्योंकि शॉर्ट ट्रिप्स ही मैं अभी कुछ टाइम तक करने वाला हूँ, लॉन्ग ट्रिप पॉसिबल नहीं है। चलते हैं आगे, निकलते हैं घर की तरफ। और आज मौसम थोड़ा ख़राब है, सुबह से बारिश हो रही है, तो चलते हैं आगे। पैकिंग सब हो चुकी है, लेकिन बात यह कि हम अभी उठे हैं लेट में और अभी टाइम हो रहा है 10:30, तो मे बी 8-9 तक हम पहुँचेंगे लाउकला। तो चलते हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं हमारे घर की तरफ, बारिश बंद हो चुकी है पूरी तरह से। ठीक है भैया, आते हैं। तो ये जो भैया हैं ये यहीं पे काम करते हैं और कॉलेज भी जाते हैं और यहीं पे रहते हैं। ये है गंजाम से, तो इनसे बहुत देर बातचीत हो रही थी हमारी। ठीक है, तो ये था बोर्ड, दारिंगबाड़ी बालीगुड़ा 49 किलोमीटर्स। यार बारिश फिर से शुरू हो गई, अब रेनकोट पहनना ही पड़ेगा, कुछ ऑप्शन नहीं। अब निकालो भैया रेनकोट निकालो। तो कुछ ऐसे थे रात में रोड्स, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कर्वी रोड्स हैं, यहाँ पे देख रहे हो। ओ भाई बारिश गिरा है, स्लिप ना हो जाए। ओहो पूरा खतरनाक बारिश हो रहा है आगे लग रहा है। जितनी जल्दी हो सके 150-200 किलोमीटर्स कवर करना पड़ेगा, तब जाके बारिश से शायद छुटकारा मिले, क्योंकि इस एरिया में हमेशा बारिश ही होते रहता है। अभी जो मंथ चल रहा है सितंबर का, उसमें बोल सकते हैं कि करीब 24 डेज बारिश होती है यहाँ पे 30 डेज़ में। और हमारा लक देख रहे हो, कल बारिश हुई ही नहीं, तो हम उस 6 डेज़ के अंदर में आते हैं। ज़्यादा हो गई कि मुझे एडाप्टर खोल के माइक खोल के सब अंदर डालना पड़ा, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था। और मुझे वीडियोस बनाने भी हैं, तो थोड़ा सा आप ऑडियो मैनेज कर लेना, थोड़ा सा ऑडियो में भी नॉइज़ आएगा बहुत अभी, क्योंकि मैंने माइक अभी लगाया हुआ नहीं है। तो ऐसे कुछ रोड्स हैं यहाँ पे। रात में जब हम आ रहे थे भाई, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि यहाँ पूरा डार्क था। अभी तो उतना पता नहीं चल रहा, बट यहाँ के रोड सब देख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा ही कर्व रोड्स हैं यहाँ पे। मन तो कर रहा है कि स्पीड चलाऊं पूरा एकदम तुला तुला के, मोड़ो सांप बना दूं, लेकिन दिक्कत ये है कि भैया बारिश इतनी ज़ोर से हो रही है, स्लिप हो गया ना, तो उठाने के लिए भी कोई नहीं आएगा, खुद ही उठना पड़ेगा। और जैसे कि हर राइड पे एक ना एक बार कुछ ना कुछ तो होता ही है, बट अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो मैं नहीं चाहता कि इस राइड पर कुछ हो, सेफली घर पहुँच जाए। तो अभी हम आ चुके हैं उस रास्ते से जहाँ से हम गलत रास्ते पे चले गए थे, और ये था डिवाइडर जहाँ से हमें जाना था राइट, बट हम लेफ्ट चले गए थे। अगर आपको याद होगा, अगर आपने मेरा पहला एपिसोड देखा होगा, तो ये रास्ता बरहमपुर की तरफ जाता है और दारिंगबाड़ी की तरफ। तो अभी यहाँ से हम निकल के जा रहे हैं राउकले की तरफ, तो हम संबलपुर सुंदरगढ़ होते हुए जाएंगे, जहाँ से जिस रूट से हम आए थे। तो निकलते हैं, यहाँ भी बारिश नहीं हो रही है। तो यहाँ से बालीगुड़ा है और 10 किलोमीटर्स, तो बालीगुड़ा होते हुए नहीं जाएंगे, बालीगुड़ा से एक राइट टर्न आता है, वहाँ से हम राइट ले लेंगे और निकल जाएंगे सुंदरगढ़ की तरफ। सो वेलकम टू बालीगुड़ा, और यहाँ से बालीगुड़ा के एरिया स्टार्ट हो जाता है।
और ये बालीगुड़ा का मार्केट प्लेस है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे फिलहाल, अभी ज़्यादा स्पीड चला भी नहीं सकते यहाँ पे, देख रहे हो सब उतर आए रोड पर लग रहा है। और टाइम अभी हो रहा है, अरे भैया देख तो लो रोड पर, सामने देख के चल रहे हैं भाई, रोड पीछे देख ही नहीं रहा है कोई, भाई कोई आ भी रहा है पीछे से। अरे बाप रे बाप, कहाँ से निकाले भाई, कोई मार मत देना भाई। चलो 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 चलो, वो क्या लोकेशन है भाई, मस्त। वो हो दूर दूर तक सिर्फ वैली और ये छोटा सा एक झील, और सामने है मार्केट प्लेस। अरे रे 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 रे, अंकल कहाँ 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 भाई, अपना ग्राउंड क्लियरेंस इतना कम है ना कि आने के टाइम पे इतनी बार नीचे लगा है, मतलब अनगिनत, मतलब मैं गिनते गिनते थक गया, इतनी बार नीचे लगा है हम्स पे। और यहाँ पे हम्स तो अलग टाइप के बने हुए हैं, देख रहे हो कैसे हम्स बने हुए हैं, लगना मत। ओह नहीं लगा। तो भैया जगह बहुत कुछ दर्द करने लग गया अभी, क्या दर्द, क्या दुख रहा है आपका? बैठे बैठे अभी तो 70 किलोमीटर से हुआ है, अभी से दुखना स्टार्ट हो गया। 70 किलोमीटर आ गए, 70 किलोमीटर समझ रहे, वहाँ से सुंदरगढ़ लगभग और थोड़ा सा चला। तो थोड़ा देर हम रुकेंगे यहाँ पे, पानी वानी पीता फिर निकलेंगे आगे। वापस से हम उस रास्ते पे आ गए जो 11 किलोमीटर का ऑफ रोड था। देख रहे हो यहाँ पे किसी का कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा, सिर्फ हम ही चल रहे हैं यहाँ पे। अब आ चुका पूरा ख़राब से ख़राब रोड, तब तक तो फिर भी थोड़े बहुत तो रोड थे, अब तो कुछ भी नहीं है भाई, पूरा पत्थर वाला रास्ता ही है, पूरा प्रेशर पड़ रहा है भाई हाथों पे, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है क्योंकि बहुत ज़ोर से पकड़ा हूँ मैं अभी हैंडल, थोड़ा भी ढीला कर दे रहा हूँ तो पूरा सांप बन जा रहा है, दम तक मरा जा रहा है पूरा। यस भाई साहब, ये अलग खतरा ही रहा था। अरे भाई इधर लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट हो रहे हैं बस, खाली एट लास्ट आ गया भाई रोड पे, पक्के रोड पे पहुंच गया। ओ यहाँ पे छोटे छोटे बंदर दिख रहे हैं भाई, हाय ए भाग गया। टर्न्स देख रहे हो भाई यहाँ के, ओए होए क्या बात है। वो पहले जंगल वाले रास्ते थे, अब पूरा ओपन वैली है। वो भाई ये तो कश्मीर जैसा दिख रहा है, वाह 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 गजब। तो यहाँ पे एंड होता है बालीगुड़ा फॉरेस्ट रेंज। तो अब जंगल वाले रास्ते हो गए हैं ख़त्म, और आगे लिखा हुआ है गुड बाय गुड बाय गुड बाय गुड बाय। और ये ब्रिज अगर आपको याद होगा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आ रहा था यहाँ से जब हम जा रहे थे दारिंगबाड़ी की तरफ। तो अभी हम क्रॉस करते हुए महानदी के ऊपर से, और मौसम बहुत ही ज़्यादा गर्म है, अभी गर्म इन द सेंस टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम जहाँ से आ रहे थे वो टेम्परेचर वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम था, लाइक इसी के हिसाब से, इस लोकेशन के हिसाब से कम था, बट यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लग रहा है अभी। अरे भाई क्या कर रहा है, इतना क्या जल्दी है तुमको। तो यहाँ से आप जा सकते हो दारिंगबाड़ी की तरफ, और ये जो रोड है ये है संबलपुर रोड, तो यहाँ से जाए संबलपुर का रास्ता है। तो अगर आप आ रहे हो तो ये चौक को आप मिस मत करना, वरना आप दूसरे रास्ते चले जाओगे, वापस दारिंगबाड़ी की तरफ चले जाओगे आप।